चैट बॉक्स के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सुमैरा कुरैशी। दिन है आज 29 दिसंबर का। मौजूद हैं हम आज बैरियर टाउन कराची के शानदार थीम पार्क पर। बताते चलिए आपको कि नए साल का आगाज होगा, बट इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी शख्सियत, नुमाया काबिल एहतराम शख्सियत, जनरल मैनेजर बैरियर टाउन कराची यासिर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर ये बताइए, दो दिन बाद नया साल का आगाज़ होगा, बैरियर टाउन कराची की क्या तैयारियां हैं, कैसे सेलिब्रेट करेंगे, नया क्या होगा? तैयारियां हमेशा की तरह ज़ोरों शोर से जो है वो जारी हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा भी पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के लोगों को वन ऑफ द बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। हमेशा हर साल ही करते हैं और हमारे फायरवर्क्स जो हैं वो आपको पता है कि इंटरनेशनली भी दिखाए जाते हैं, पाकिस्तान में एक अलग उनका नुमाया अब एक जो है वो शुमार किया जाता है। जैसे ही न्यू ईयर इवनिंग स्टार्ट होती है तो तकरीबन सारे चैनल्स ही बैरियर टाउन कराची, बैरियर टाउन रावलपिंडी, बैरियर टाउन लाहौर पे फोकस होता है सबका। तो इस साल भी हमने ग्रैंड फायरवर्क का इनका किया है सारे पाकिस्तानियों के लिए। इंशाल्लाह बैरियर टाउन कराची के एफिल टावर की साइट पर, बैरियर टाउन लाहौर की एफिल टावर की साइट पर, और उसके बाद रावलपिंडी पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की साइट पर इंशाल्लाह 12 बजे ये फायरवर्क्स होंगे। और इस दफ़ा पिछले से ज़्यादा ग्रैंड करने की कोशिश की है। और इसके साथ साथ हमारे कार्निवल एरियाज भी एक्टिव होंगे और डांसिंग फाउंटेन भी है, तो काफ़ी चीज़ें करने के लिए, डैंजो भी सबके लिए खुला हुआ है। तो जितनी भी फैमिलीज जो बाहर से आती हैं, जारी बात है उनको पूरा दिन स्पेंड करने की तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप डैंजो जाएं, डैंजो देखें, सिनी गोल्ड हमारा खुला हुआ है, आप चाहें तो उधर मूवीज़ देखें। और उसके साथ साथ आप रात में इंशाल्लाह हमारे कार्निवल में खाना खा कर ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ खाना खा के आप जाएँ। तो ये हमारा जो है वो ये फोकस है इस साल का। सर ये बताइएगा नए साल पे क्या मैसेज देंगे आप? नए साल पे यही मैसेज है कि पुराने साल की जितनी भी गलतियां हैं उनको ना दोहराया जाए और तमाम लोगों के लिए ही है, और अपने काम पे ध्यान दें। पाकिस्तान बदल रहा है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सब काम करें, इसी पर फोकस रखें। जिस तरह बैरियर टाउन चेयरमैन बैरियर टाउन मलिक साहब का हमेशा से ये एक विजन था, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया जाए। उन्होंने अपनी पूरे 30 साल क्योंकि काफ़ी सबके सामने हैं, उन्होंने 30 साल बड़ा हार्ड काम किया। तो यही मैं सबको मैसेज दूंगा कि अपने अपने कामों में ध्यान दें, हार्ड वर्क करें, अपनी नीयत साफ रखें, और पाकिस्तान अब बेहतरी की तरफ जा रहा है तो इंशाल्लाह अपना भी जो है वो इस पर किरदार अदा करें और इंशाल्लाह पाकिस्तान को और आगे लेके जाएं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ जनरल मैनेजर बैरियर टाउन कराची यासिर हुसैन साहब मौजूद है, शानदार मैसेज दिया है। नए साल को बहुत खूबसूरत अंदाज से खुशामदीद कहिएगा। थीम पार्क की ओपनिंग हो चुकी है, यहाँ आइए और एंजॉय कीजिए। इसके साथ साथ रेड बॉक्स की जानिब से आपको भी नए साल की बहुत ज्यादा मुबारकबाद। अपनी मेजबान सुमैरा कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।